5 मिनट और अपन सीरिया की धरती पे लैंड कर जाएगी खाने के लिए। 14 लाख की 1 किलो चाय पत्ती मिलती है। सिंगापुर के साथ एक आइलैंड है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। 4 धाम का जत्था जा रहा हमारा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉर्मली मॉर्निंग एक्चुअली मॉर्निंग में होती है, लेकिन फिलहाल टाइम हो रहा है 1:30 और अपन अभी भी निपटा रहे हैं अपना काम। तो अभी एडिटिंग वेडिटिंग फिनिश किया, अपलोड पे लगा दिया, अपलोड अब ये हो रहा है, स्केड्यूल करके जाएंगे भाई। तो फिलहाल टाइम हो रहा है कितना, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं और अपन हो गए सेट, फुल तरीके से सेट। बस एक ऊपर से ना एक हुडी डालना है, हुडी भी मैंने निकाल लिया था, बाकी सारा बैग डन है, बस मोबाइल थोड़ा सा चार्ज हो जाए और उसके बाद यहाँ से बदलो। सामान निकाल के बाहर खड़ा किया हुआ है, उबर भैया आए नहीं है। मैं इस साइड देख रहा था, भैया इस साइड से आ रहे। अरे आ जाओ भैया, हड़बड़ा के आ जाओ, सो जाइए। क्या भैया कोट ना, 2023 की पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, मतलब एक्चुअली वाली फ्लाइट सबसे सस्ती होती है, सबसे ज्यादा आपको भीड़ ना सबसे पहले सुबह ही मिलता है भाई। देख रहे हो यहाँ से वहां तक एकदम लाइन बना पड़ा है भैया। भैया को बोला भैया मेरे को पहले उतार दो, ठीक है अपन वॉक कर लेंगे, इधर कहाँ ही जाम में फंसे रहेंगे। इधर वॉक करना ज़्यादा इजी है रादर देन गाड़ी में बैठ के जाम में फंसना। बाकी ये अपनी फ्लाइट तो राइट टाइम पे है, यहाँ पे दिख गया हमें। अब यहाँ से आप गेस करके बताओ, स्क्रीनशॉट लो और गेस करके बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। बाकी अभी सबका वेट कर रहे हैं, 4:30 बजे एक साथ एंट्री है। एक साथ एंट्री क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। घर पे रहो ना तो भूख नहीं लगती, यहाँ आ गया ना, दिख रहा था खाना, मैंने कहा खा ही लेते हैं, मैं जब दिख रहा है तो खा लेते हैं। ये आ गया जी हमारा दूसरा साथी। एयरपोर्ट पे तो माचिस अलाउड नहीं था ना, किसी ने एक तिली से पूरे एयरपोर्ट पे आग लगा दी। ये ऐसा बैग है ना जो फॉलो करता है आपको, मतलब एक्चुअली घड़ी पे ना ये सेंसर लगा हुआ है और ये बैग खुद को फॉलो, मतलब खुद फॉलो करता है। अरे इधर कहाँ जा रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कहीं गलत फ्लाइट में बोर्ड ना कर ले। तो वैसे तो 20 लोग हैं, बट अभी 20 तो एक साथ आ नहीं सकते। मंदिर जा रहे भाई। तो अभी एक्चुअली मैंने बताया नहीं अभी तक कहाँ जा रहे हैं। नहीं बताया। हाँ वो अगले ब्लॉग में बताऊंगा ना, नहीं मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। साइकिल में भी नहीं बताया। नहीं नहीं, हम बस जा रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। अब अपने ट्रैवल के दौरान मैं अपने फ्लाइट होटल इवन ट्रेन टिकट्स बुक करता हूँ वीगो से। वीगो पे सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्लाइट पे जाता हूँ और अपना फ्रॉम और टू, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है और किस डेट को जाना है वो सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने अभी दिल्ली से दुबई चेक किया है और यहाँ पे कर देता हूँ सर्च फ्लाइट। वीगो मेरे को मल्टीपल साइट को कंपेयर करके फ्लाइट के बेस्ट रेट्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्पाइसजेट की फ़्लाइट देखता हूँ तो इसके ना रेट्स अलग अलग साइट्स पे अलग अलग है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मल्टीपल साइट्स एंड चेकिंग द रेट्स, आई कैन फाइंड द बेस्ट एंड द चीपेस्ट रेट्स हियर। एग्जैक्टली सेम चीज़ होता है जब मैं करता हूँ अपनी होटल की बुकिंग, क्योंकि होटल तो वही रहता है, अलग अलग साइट्स पे उसके अलग अलग रेट्स रहते हैं। तो वीगो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, गो चेक इट आउट। अपने ट्रैवल के दौरान अपने फ्लाइट होटल इवन ट्रेन टिकट्स के लिए आप वीगो यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आप वीगो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू अपडेट द ऐप, क्योंकि ट्रेन वाला ऑप्शन भी उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सिंगापुर के साथ एक आइलैंड है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। कितने पास है, थोड़ा सा बस साथ में है। और मैंने बोला, मैं कहा अगर बीवी ने पूछ लिया पासपोर्ट दिखाओ, तो कह रहा सर वो पेज ही फाड़ दूंगा। कोई सबूत नहीं रहेगा। थाईलैंड को आइलैंड बताऊंगा। तो कह रहे हैं कैमरा बंद होने दो भाई। जो अपना लगेज है ना वो हमेशा प्रॉपर रहता है, उठा के रख दूं, ऐसे टूटेगा नहीं। अच्छा ओके। एक रूल हमें यहाँ पे पता चला कि हमें ना इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप ट्रैवल, सॉरी ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा, हेल्थ इंश्योरेंस चलेगा नहीं। डोमेस्टिक पे भी कंपलसरी कर दिया। क्या बात कर रहे हो, ये कोविड जो लड़ाई लड़ रहे थे विंडो सीट की मिल गई। हाँ विंडो सीट, उन्होंने बोला एक चिकन में दो ही, एक चिकन 18 के 18 ना विंडो सीट मांग लिया मैंने। 18 के 18
तो अभी ना ये ट्रैवल इंश्योरेंस वाला काम कर रहे हैं बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के। बैग तो हमारा उन्होंने रख लिया लेकिन बोर्डिंग पास अभी तक नहीं दिया, बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है। एक और चीज पता चल रही है कि जब हम इंडिया वापस आ रहे होंगे ना तो हमें वहां पे आरटीपीसीआर भी कराना पड़ेगा, बिकॉज आरटीपीसीआर मैंडेटरी है इंडिया एंट्री के लिए। तो अभी जो होता है जैसा होता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा, बाकी ये सारे नियम कानून जो भी है ना वो कोविड के वजह से है, एंड विच इज़ गुड ऑल्सो। मैंने कहा जिनका जिनका अपना टिकट विकेट वाला काम हो गया ना वो इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़े, क्योंकि एक बार इमिग्रेशन में ना काफ़ी देर तक हम फंसे रह गए थे। हाँ सबको, हम चारों को विंडो सीट मिली है ना भाई। इसको लेकिन विंडो से बाथरूम दिखेगा। हाँ? क्यों लास्ट है मेरे को सीधा वो एयर होस्टेस दिखेगी, चार मिनट आगे ऐसे खड़ी हो गई उनको पता है इस बंदे के शरीर में कुछ है ही नहीं। 6 बज गए हमें अंदर घुसते घुसते, तो फाइनली अपन आ गए ड्यूटी फ्री। अब यहाँ से कुछ उठाना होगा तो उठा लेंगे। सबसे पहले बताइए क्यों काउंटर है, इससे पहले कि आपके पास पैसे खत्म हो जाए खरीद लो बग लो। वो तो पता है मुझे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मौत का सामान। हाजी आपकी नजर किधर थी ना, मुझे दिख रहा था मैं पीछे छुप के वीडियो बना रहा था। माय गॉड, कट कट कट। सुनो ना, हाँ क्या ये क्या है? अरे मेरे को पता नहीं सब क्या होता, क्या होता भाई ये सर? भाई ये ना पानी है, जो अखा जो धुंधला बना जाए ना छिट्टे मारोगे तो सही हो जाएगा। अच्छा ये नींबू का रस है, देखो इस पे नींबू बना ना। खट्टा पानी है? खट्टा पानी है यार, ये वो होता है गलत काम करके हाथ धोने होते हैं इससे। सैनिटाइजर। अब ये है पता नहीं 2-1000 रुपए का है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई नींद 2000 रुपए के बराबर है मेरी। नेक्स्ट टाइम वैसे मैं भी इसको कैरी करने वाला हूँ, मैं कभी छोटा सा चीज ना 2500 रुपए। इनसे पूछो इसका प्राइस क्या है भैया, ये कितने 2200 भाई? मेरा वाला सही है। चल भाई बहुत ज्यादा महंगा यार, 500 रुपए में मिनीसो से खरीदा था मैंने। भाई 2200-2500 बहुत तगड़ा कटा है। हमें कुछ भूख लगी है, हम कुछ खाने जा रहे हैं। ऊपर चले तो वो लोग कहाँ गए? अच्छा वो 17000 रुपए की चाय देखने गए हैं। 17 लाख शायद से। 17000 या 17 लाख फुल बोला था इन्होंने, तभी तो देख रहे हैं भाई। 17 लाख में तो गाड़ी आ जाती है। 14 लाख की 1 किलो चाय पत्ती मिलती है। 14 लाख रुपए किलो किलो चाय पत्ती। इस सच्ची बताओ। हाँ, उसमें क्या होता है वो एक बंदी आती है, वो चाय बनाती भी है पिलाती भी हमें ऐसे पट पे बैठ के, हमारे लो जी पियो ऐसी वाली चाय है, उसके बाद मसाज भी देती है। बट 100 रुपए की कितनी आएगी? 100 रुपए की कितनी आएगी? एक दाना 100 रुपए, एक कप नहीं बनेगा चाय। 100 रुपए में सूंघने को मिलेगी। हम आ गए फिलहाल लाउंज में खाने के लिए, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत हेल्दी खा रहा है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ना कचड़ा खाया था। होता है ना नाली में कूदने के बाद शावर से नहाना, क्या लगता है फ्लाइट के अंदर सीट बोर्ड करने के बाद कितने लोग जगे रहेंगे? कितने लोग जगे रहेंगे? देखो आधे आधे आधी फ्लाइट तो हमारे शोर से भरी रहेगी। हाँ बाकी लोग थोड़ी एक आधी बार कंप्लेंट करेंगे, तब जाके हम भी सोएंगे फिर वो सोएंगे। और भाई अगले 4-5 दिनों तक ना व्लॉग का टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे ही रहेगा, क्योंकि भाई आधे टाइम अपन ट्रैवल कर रहे होंगे, इधर उधर होंगे, तो किस टाइम पे एडिट होगा किस टाइम पे अपलोड होगा वो मुझे अभी सीरियसली नहीं पता। तो सुबह जो 11:30-11 बजे व्लॉग आता है ना थोड़ा सा लेट हो सकता है। बाकी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मैं सोऊंगा नहीं, जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज डाउनलोड किया था ना वो देखूंगा, बट अगर नींद आई ना तो मैं सो जाऊंगा, क्योंकि आज अपनी फ्लाइट ना लंबी होने वाली है। एक्चुअली आज 2 फ्लाइट लेनी हमें, ये तो हमारी पहली फ्लाइट है जिससे हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और वहाँ उस कंट्री में जाके हमें एक और कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी, मतलब बेसिकली ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वो कुछ अलग ही है। बाकी एयरपोर्ट वाले ड्यूटी फ्री में आपका खास ख्याल रखते हैं, लास्ट मोमेंट तक आपको मोटिवेट जरूर करते हैं। ले लो, पीछे देखा पता चला कि अपना जो गेट नंबर है वो चेंज हो गया है, मतलब जो हमें बोर्डिंग पास पे मिला था उससे चेंज होके कुछ और ही हो गया, बट हो गया इधर ही, तो अच्छा है एक ग्रुप में चलने देना। एक्चुअली हमें जो बोर्डिंग पास मिला उस पे गेट नंबर अलग था, उसके बाद गेट चेंज हुआ, उसके बाद कुछ बोर्डिंग पासेस पे सेम फ्लाइट का गेट नंबर अलग है, तो ये कन्फ्यूजन हो गया था। मैंने कहा यार अलग अलग गेट नंबर क्यों, एक ही फ्लाइट के अलग अलग द्वार कैसे हो गए? हाँ मल्टीपल द्वार, हमारी कोई और शाखा नहीं है, एक ही है गेट नंबर 12। घूमते फिरते एकदम मस्त आ रहे थे, और ये हमारी बोर्डिंग इधर स्टार्ट होके काफ़ी टाइम भी हो गया। ये देखो भीड़ नहीं है, अदरवाइज तो कितनी भीड़ होती है।
चलो भाई चले। तो कह रहा था कि उसको विंडो सीट मिला है, कोई तो कह रहा था विंडो सीट मिला है, बाथरूम के साथ वाला दे रहे थे, फिर वहां बदबू ज्यादा आ रहा था। अब देख नहीं रहा है ना, अब तो अब हमें कह रहा है, सुनो तो अब कह रहा है कि बाढ़ में जाओ तुम लोग, मैं तो अकेला हूँ यार। ये बड़े बदतमीज लोग हैं, एक पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे हैं। मैं इनको जानता नहीं दीदी, मैं जानता नहीं दीदी। सीट आप किधर है? भाई हमने तो विंडो सीट लिया, और आज लकली ना भैया है इनके, विस्तारा वाले भैया काम करके गए, तो खिड़की एकदम साफ है यार, एकदम ही साफ है। बाकी उधर सामने इथोपिया एयरलाइंस, कभी प्लान करेंगे उससे भी ट्रैवल करने का, इथोपिया जाएंगे। भाई 8:30 का डिपार्चर था, 5 मिनट पहले, बिफोर टाइम डिपार्चर। वेरी गुड विस्तारा, वेरी गुड। इथोपिया एयरलाइंस तुम कब चलोगे बेटा? हिसाब से हमने कपड़े पहने ना, हमें लग रहा है हमें कपड़े खोलने पड़ेंगे, मतलब ऊपर वाला जो जो स्वेटशर्ट है ना वो खोलना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी लगने लगी भाई, अभी से गर्मी लगने लगी। पता है अभी पीछे वाले जो भी बात कर रहे हैं ना, ये धीरे धीरे करके सब लोग सोने वाले हैं, सब लोग सोने वाले हैं। हाँ अभी 5 मिनट हुआ है टेक ऑफ किए हुए। हाँ ना, वो उस मूवी में, कौन सी मूवी जिसमें टांगे फैलाते हैं ना। हाँ मिला जुला के खाने का जो सबसे अच्छा पार्ट था ना वो ये था, और हमें एक बड़ा सा आलू भी मिला है, ये पहाड़ी आलू है, शिमला से लाया गया है, ठीक है। तो ये आलू हम रख लेंगे, ठीक है, फिर इसमें बम बना के इसको आलू बम बना देंगे, एक्चुअली बम ही हो गया है। एक चीज़ देखा, ये देखो 3x जूम यहाँ पे, एक अरे यार फोकस कर ले, हवा में एक और फ्लाइट। कह रहे पहुँच के नहीं रहा यार, वो आधे घंटे से ना एक ही पोज में बैठ के ना कि पहुँच के नहीं रहा यार, पहुँच जाएगा। बोलो उनको तेज चलाने थोड़ा। बस जी सीरिया पहुँच गए अपन, ये अपन 5 मिनट और अपन सीरिया की धरती पे लैंड कर जाएंगे। हाँ सीरिया जा रहे हैं ना, सीरिया ही तो जा रहे हैं हम लोग। गलत ले आए। हमने टिकट तो सीरिया की बुक की थी। भाई हमारे तो 4 घंटे में पैरों में खून जम गया, ऐसा लग रहा है कि मतलब शरीर काम का ही नहीं है, बट ठीक है उतर गए, पहुँच ही गए। बस हल्का सा धीरे से, एकदम धीरे से करना भैया, धीरे से लैंडिंग, धीरे से। बहुत सही, अरे बहुत सही गुरु, बहुत सही। कितने एक्साइटेड है ना सीरिया उतरने के लिए। हाँ तो सीरिया ही तो पहुँचे हम भाई, खतरनाक। मैंने कहा ये कौन चल रहा है, फिर मैंने बैग पे ध्यान दिया, ये मैंने कहा ये सही बैग है यार। हाँ पीछे भी भोकाल मचा रहा है ना। ओ अच्छा दो है वो भी ऐसी एग्जॉटिक जगह पे। हाँ वो भी सीरिया, वो भी सीरिया, यहाँ पर बिजनेस के बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ इधर किसी ग्रुप में जाके मिल जाते हैं ना, किस ग्रुप में मिले। जी बैकग्राउंड में देख के तो आप समझ गए होगा, और चेहरे की खुशी। तो हम लैंड कर चुके हैं बैंकॉक में। अब बेसिकली थाईलैंड में ना स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे, बट ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे इसलिए लैंड किए क्योंकि जहाँ पे हमें जाना है ना वहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से नहीं थी, मतलब इंडिया से क्या मतलब यहाँ पे थाईलैंड से उतर के, मतलब बैंकॉक में, थाईलैंड क्यों बोल रहा हूँ, थाईलैंड में ही रहने वाले हैं, बट बैंकॉक से उतर के एक्चुअली हमें वहाँ की एक दूसरी फ्लाइट लेनी है। और वो जो फ्लाइट है अभी फ़िलहाल मैं बताऊँ आपको टाइम कितना हो रहा है अभी, अरे यार रुक जाओ, अभी टाइम हो रहा है 2:20, और जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है ना वो शाम में 8:00 है, 8:00। तो हमारे पास इतना ज़्यादा एम्पल टाइम है ना, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम बचने वाला है। तो सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फ़िलहाल तो सारा ग्रुप जा रहा है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। फूड पे कुछ मिले ना मिले,
मतलब ये तो पूरे जगह ड्यूटी फ्री पे ना सबसे ज्यादा आपको चॉकलेट और दारू यही मिलता है भाई। बाकी हमारे साथ तो, अरे हमारे साथ भी एक दो हैं जो ड्यूटी फ्री से पूरा सामान लेके आए हैं। सबके लग गए, सबके लग गए, सबके लग गए, सबके लग गए, एक साथ ही लग गए, एक साथ ही लग गए, 18 लोगों के एक साथ लग गए, 18 लोगों के एक साथ लग गए, किसी के पास प्रिंट आउट था ही नहीं, जो मेन जिनके पास प्रिंट आउट था वो हमारे साथ नहीं थे तो मिला जुला के सारा चीज हो गया। अब यहाँ से ना अपना बैग उठाएंगे और फिर अच्छा सारे बैग्स तो उधर ही है, मतलब सारे लोग उधर है, तो अब बैग उठाएंगे और इस ब्लॉग को करें खत्म। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है बेटे थम्स अप, चैनल पे नए हो डू सब्सक्राइब टू चैनल, अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि एग्जैक्टली हम लोग जा कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्लाइट अपनी 8 बजे की है, अभी फिलहाल बज रहा है 3, 5 घंटे क्या करेंगे पता नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।